नमस्कार, मैं हूं अश्विनी अग्रवाल और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। सुनकर आश्चर्य हुआ रहा, पर यह है बिल्कुल सच। ये नन्हा पैंथर शिवा है, अभी जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में है। 10 दिन से डॉक्टर्स की निगरानी में है। शिवा को अमेरिका का बना हुआ 20,000 रुपए किलो का पेटलेक किटन मिल्क दिया जा रहा है, साथ ही मल्टीविटामिन व मेडिसिन भी दी जा रही है। हर 2 घंटे में दूध पिलाया जा रहा है। पहले काफी डरा हुआ था ये, लेकिन अब ये पूरी तरह से एक्टिव है। वरिष्ठ वन्यजीव डॉक्टर अरविंद माथुर उसकी देखभाल कर रहे हैं, अब वे ही उसकी माँ हैं। उन्होंने बताया कि नन्हे पैंथर शावक को शिवा नाम दिया गया है। जब उसे यहाँ पर लेकर आए तो काफी ये कमजोर था, उसे बहुत भूख भी लग रही थी, काफी डरा हुआ था। शुरुआत में उसे दूध पीने में काफी दिक्कतें हो रही थी, तब उन्होंने उसकी भूख मिटाने का रास्ता निकाला। उसे पिंजरे से भी निकाल कर बाहर खुले में लेकर जाते हैं। अब पैंथर बाहर निकल कर खेलता है। 24 जून को दोपहर करीब 2:30 बजे रायसर रेंज स्थित टोडा मीना के पास गोल डूंगरी में पहाड़ी मंदिर के पास अकेला मिला था ये। वन विभाग की टीम ने वहां पगमार्क देखे तो पता लगाया कि वह माँ के साथ ही आया होगा। वहां से माँ कहीं चली गई और वह उससे बिछड़ गया। अगले दिन दोपहर तक रेंजर रघुवीर मीना अपनी टीम के साथ शावक की माँ को ढूंढते रहे। वन विभाग की टीम ने वहां पर 3 ट्रिप कैमरे भी लगवाए, फिर भी शावक की माँ का कुछ पता नहीं लग पाया। इसके बाद नाहरगढ़ जैविक उद्यान में ये लेकर आ गए। डॉक्टर के अनुसार शिवा को पिलाने के लिए अमेरिका से बना हुआ 20,000 रुपए किलो का पेटलिक किटन मिल्क रिप्लेसमेंट मंगवा कर पिलाया जा रहा है। दिल्ली की एक फर्म ने एजेंसी ले रखी है जो कि शावक के लिए दूध भिजवाती है। इससे शिवा के शरीर में ताकत बन रही है। यहाँ पर 24 घंटे सुरेश और माधव इसकी देखभाल कर रहे हैं। उसे हर 2 घंटे में दूध पिलाया जाता है। उन्होंने बताया कि जब उसे नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लाया गया था तब उसकी आंख भी नहीं खुली थी। अब उसका वजन भी 500 ग्राम से बढ़कर 1 किलो हो चुका है। उनका कहना है कि उसे 3 महीने यही दूध पिलाया जाएगा, इसके बाद थोड़ा थोड़ा खाने के लिए दिया जाएगा। बड़ा होने तक इसे नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में ही रखा जाएगा। शिवा को जब नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लाया गया था तब उसकी आंखें नहीं खुली थी और वह डरता था। अब वह पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। फ्रेंडली माहौल देने के लिए उसे पिंजरे से निकालकर बाहर भी रखा जाता है। पिंजरे से बाहर निकलने पर वह अठखेलिया करता है, बाहर काफी देर तक खेलता है और दौड़ता भी है। हालांकि इन्फेक्शन के डर से उसका पूरी तरह से ध्यान भी रखा जाता है। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।